वेलकम एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो डेली लाइफ में हम लोग वर्ड यूज करते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं समझती हूँ, मतलब कई बार बात बात में हम लोग घरों में अक्सर ये कहते हैं मैं समझती हूँ, तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? आई अंडरस्टैंड। फुसफुसाओ मत। कभी कभी बहुत लोग हमारे बारे में फुसफुसा कर बात करने लगते हैं घरों में, तो उसे हम लोग कहते हैं फुसफुसाओ मत। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? डोंट विस्पर। आराम से, जैसे कई बार बच्चे काम करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं आराम से, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? टेक इट इजी। हार मत मानो। कई बार हमारे बच्चे या हमारे फैमिली में जो लोग हैं वो बहुत ही थक जाते हैं कोई काम करते करते और कहते हैं अब मैं नहीं कर सकता, तो उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डोंट गिव अप। मैं आपको जानता हूँ, मतलब कई बार अक्सर हमें लोग बाहर मिल जाते हैं और कहते हैं मैं आपको जानता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई नो यू। कभी कभी, जैसे अक्सर ये वर्ड हम लोग घरों में यूज करते हैं कि कभी कभी मेरा बाहर जाने का मन करता है या कभी कभी कुछ भी ऐसे बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एट टाइम्स। क्या हुआ? तो कभी कभी हमारे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और हमसे बात नहीं करते हैं, तो हम उन्हें इंग्लिश में क्या बताते हैं? क्या हुआ का मतलब व्हाट हैपेंड। तैयार हो जाओ। जब बच्चे स्कूल के लिए रेडी नहीं होते हैं तो हम लोग हर सुबह हर टाइम ये बोलते रहते हैं तैयार हो जाओ, प्लीज तैयार हो जाओ, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेट रेडी। बाहर इंतजार करो। जैसे कोई हमसे मिलने आता है और हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम अक्सर उससे कहते हैं बाहर इंतजार करो, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? वेट आउटसाइड। साफ करो। कई बार बच्चे गंदगी फैला देते हैं घरों में, सामान गिरा देते हैं, तो हम उनसे कहते हैं साफ करो, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? क्लीन इट। क्या तुम समझे? तो कभी कभी हम कोई बात बच्चों को समझाते हैं या बताते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या तुम समझे, तो इसका मतलब होता है डू यू अंडरस्टैंड। ऐसा मत करो। कभी कभी बच्चे बहुत ही शैतानी करते हैं तो हम उन्हें मना करते हैं कि ऐसा मत करो, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोंट डू दिस। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।